अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से एकदम सुस्त है, ठीक कल ही की तरह। कल भी सुस्त है लेकिन कल पूरा एक्शन दिखा, 500-600 पॉइंट गिरे, फिर रिकवर होकर फाइनली 200 पॉइंट नीचे बंद हुए। अब आज अमेरिका में क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। वैसे बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से नीचे आई है वहां पर, उसको देखकर लग रहा है कि अमेरिका में मजबूती आनी चाहिए इक्विटी में, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारा उतार चढ़ाव है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिकी बाजार आज रात किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर भारतीय बाजारों में जो एक्शन होगा वो इसी बात पर होगा कि अमेरिका में क्लोजिंग कैसी होती है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हुए दिखते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेंगे। मजबूती वाली बात हुई तो खुलते ही रिकॉर्ड हाई है। अगर समझो संकेत कमजोरी के मिले तो 15,750, इनफैक्ट मैं कहूँगा वो भी छोड़ दीजिए, 15,800, ये अपने आप में मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर। इसके नीचे जाने की संभावना कम है और बैंक निफ्टी में 35,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है। ऊपर में निफ्टी एक बार 15,925 को पार हुआ तो 16,000 की तरफ बढ़ेगा, एक नया बड़ा माइलस्टोन पहुंचने की तैयारी है, कल हो या अगले दो चार दिनों में हो तैयारी तो है। और बैंक निफ्टी भी एक बार 35,825 को पार करके टिका तो 36,100-36,300 की रेंज में जाने की बैंक निफ्टी की भी तैयारी बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल इंडेक्स में मजबूती है, हर गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है, वहीं पर फोकस कीजिए। और लगातार जो मैं कह रहा हूँ फिर से, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप खरीदारी करते रहें, वहाँ पर और तेजी बनने की संभावना है।